मुर्तजा अब्बासी, ये वो नाम है जिसका आईएसआईएस कनेक्शन सामने आ रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वीडियो आईएसआईएस ने जारी किया है वो कई सारे राज खोल देती है, बताती है कि आखिर वो सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रही है बल्कि धारदार हथियार के दम पर भी आतंक फैलाने का मंसूबा रखती है। और बस यहीं से जुड़ती है वो कड़ी जो आईएसआईएस को मुर्तजा से जोड़ देती है। एक तस्वीर और आईएसआई कनेक्शन, आईएसआई का हसिया वाला विलेन। गोरखपुर मंदिर हमले के दौरान अहमद मुर्तजा अब्बासी ने हड़कंप मचा दिया था। हाथ में हसिया लेकर वो सड़क पर घूम रहा था, एक के बाद एक हमले कर रहा था। अब इसी हसिया से आईएसआई कनेक्शन निकलकर सामने आया है। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। एक तरफ आईएसआईएस का आतंकी है जो हाथ में हसिया लेकर बैठा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर मंदिर पर हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी है। आईएसआईएस के एक वीडियो ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं और हड़कंप मचा दिया है। दरअसल अभी तक आतंकी संगठन चेतावनी देने के लिए या धमकी देने के लिए जिस तरह के वीडियो जारी करते थे उसमें वो अत्याधुनिक असलहे जिसमें AK-47, AK-56 जैसी राइफलें शामिल होती थी वो लेकर प्रदर्शन करते थे और चेतावनियां देते थे, अपने बयान जारी करते थे। लेकिन पहली बार 25 मार्च को आईएसआईएस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें धारदार हथियार दिखाए जा रहे हैं। आईएसआईएस के जो तमाम संगठन हैं उनके जो कमांडर हैं वो उस वीडियो में मौजूद हैं और धारदार हथियार दिखाकर ये बता रहे हैं कि भारत में उनके 4 स्लीपर सेल मौजूद हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत चिंता की बात है और ये माना जा रहा है कि मुर्तजा भी उन्हीं स्लीपर सेल में से एक हो सकता है। अब सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं क्या मुर्तजा वाकई में आईएसआईएस का स्लीपर सेल है, और अगर मुर्तजा है तो 3 और लोग कौन हैं जो आईएसआईएस के लिए देश में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो देश भर का जो नेटवर्क है आईएसआईएस का हो चाहे अन्य आतंकी संगठनों का हो, उसके लिए एनआईए की भी मदद ली जा रही है, आईबी से भी मदद ली जा रही है, पैन इंडिया पूरा नेटवर्क। मुर्तजा के इस ग्रुप की जानकारी मिलते ही एटीएस ने धरपकड़ शुरू कर दी और ग्रुप से जुड़े लोगों को हिरासत में लेने का काम कर रही है। कानपुर, नोएडा, संभल, शामली में छापेमारी की गई। अलग अलग जिलों से भी कुछ युवक उठाए गए हैं। ग्रुप से जुड़े 15 सदस्यों की डिटेल खंगाल रही है एटीएस। मोबाइल फोन, लैपटॉप और बैंक डिटेल की भी जाँच जारी है। मुर्तजा रेडिकलाइज हो चुका था और यही काम अब उसने व्हाट्सएप के जरिए शुरू कर दिया था। एटीएस की जांच में सामने आया है कि मुर्तजा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था जिसमें 200 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। मुर्तजा खुद उसका एडमिन था, इसके अलावा 3 और लोग भी एडमिन थे। एटीएस ने जब मुर्तजा से पूछताछ की तो उसने व्हाट्सएप ग्रुप पर कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित संदेश और मैसेजेस भेजने की बात कबूल की। उसने ये कबूल किया कि वो दूसरों को रेडिकलाइज करने का काम कर रहा था। एटीएस ने कल सुबह से लेकर आज दोपहर तक शामली, संभल, नोएडा, कानपुर, दिल्ली समेत तमाम जगहों पर छापे मारकर 15 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और ये लोग
बताए जा रहे हैं कि उसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। इन लोगों के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, इन लोगों के बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी देखे जा रहे हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप की भी छानबीन की जा रही है।